फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी लैपटॉप है, उसमें विंडो 10 पड़ी हुई है, तो आप उसका पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं। आपने कोई पासवर्ड सेट कर रखा होगा और चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो की दबानी है, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग्स और इस वाले ऑप्शन को अनेबल कर लेना है या चालू कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड अ सेटिंग, यहाँ पे सर्च कर लिए। यहाँ पे सर्च करिए PASSW, तो यहाँ पे आप PASSW सर्च करेंगे, आपके वहाँ पे आपके पास चेंज योर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पासवर्ड, पासवर्ड पे क्लिक करें, चेंज पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना अभी का पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड अभी है, हम डाल देते हैं अपना पासवर्ड। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ कहेगा न्यू पासवर्ड, अपना नया पासवर्ड डाल दीजिए, कंफर्म न्यू पासवर्ड डाल दीजिए यानी रीटाइप कर दीजिए, और एक पासवर्ड हिंट डाल दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने पासवर्ड क्या डाला है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होएगा, अगर नहीं होता है तो कर लीजिए और आपका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। बस आप पासवर्ड का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।